हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासिमाबाद हैदराबाद। जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं कि हम आज की क्लास में जो समझेंगे वो 13th पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का इसको समझे जा रहे हैं। ये पार्ट क्वेश्चन जो सेम है जो प्रीवियस क्लास में समझे उसी वे से सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन को समझें एंड देन सॉल्व करेंगे, ठीक है? देख रही है, फुली कंसंट्रेशन से रहे ताकि हर चीज समझ आ जाए। कंसंट्रेशन समझिएगा कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? सॉल्यूशन, अब जो इंटीग्रल गिवन है उसको आई का नाम पसंद कर रहे हैं बिकॉज इंटीग्रल cos 4x मल्टीप्लाई बाय cos 2x sin 3x। अब क्वेश्चन को देखें, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है मगर दोनों सेम है मगर एंगल डिफरेंट है, पावर कुछ भी नहीं है तो फॉर्मूला यूज होगा, कोई हल नहीं। एंगल भी डिफरेंट है, पावर भी कुछ भी नहीं है तो इसका मेन सॉल्यूशन हल यही है, फॉर्मूला यूज करें ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस। अब वो फॉर्मूला भी यहां पर साइड पे लिख रहा हूं। अब देखिए cos अल्फा मल्टीप्लाई बाय cos बीटा, तो फॉर्मूला है 1/2 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा, ये फॉर्मूला सही है। cos अल्फा cos बीटा दोनों से इंडियन आई का नाम ले रहा हूं 1 माइनस
एस्कॉर्ट नहीं था तो अलग कर सकते थे, मगर स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद है। तो स्क्वायर रूट के अंदर जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, जो मिला हुआ है, 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू ये है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स अपॉन 2 एंगल है हाफ एंगल, तो 1 माइनस कॉस एक्स फार्मूला इसको रिप्लेस करके बाय दिस, सिंपल हो गया ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझिए, देखें आपके माइंड में जैसे क्वेश्चन देख लिया है क्लिक होना चाहिए इसमें, यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा सब। ओके बच्चों सब देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट साइन के ऊपर है dx, फॉर्मूला के हिसाब से इसकी जगह पे वैल्यू रिप्लेस की ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, साइन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट से ये टर्म बाहर रहता है dx, सही है, मल्टीप्लाई की वजह से टू स्क्वायर से बाहर नहीं है, अंदर ही मौजूद है, साइन के स्क्वायर स्क्वायर रूट से आजाद हो गया। ओके रेडी कर टू पर क्वेश्चन बाहर लेके बाकी सिंपली साइन एक्स अपॉन टू है dx, एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन है, इंडिकेट करेंगे सिंपली टू रेडिकल साइन, साइन की जो इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय टू। अब एंगल का कोफिशिएंट बना था एक्स डिवाइड बाय टू है, ये मल्टीप्लाई होगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, देखिए हम इंटीग्रेशन कर रहे थे रिलेशन ऑफ साइन 2x है, इंटीग्रेशन इसी क्या होगा कॉस 2x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट, जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो गया, यहां पर जो कोफिशिएंट डिवाइड में तो मल्टीप्लाई लिखेंगे। ओके बेटा तो ये सॉल्व हो चुका है, माइनस टू मल्टीप्लाई में आ गया क्या गया रेडिकल टू इनटू कॉस एक्स अपॉन टू प्लस कॉस का डिग्री सी, सिंपली आंसर आपके साथ सही है। ये चीज समझ में हुई आई, यहां तक इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं था, अगर कोफिशिएंट डिवाइड जैसे एक्स डिवाइडेड बाय टू है इस टाइप का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया, तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये चीज सेंड है ठीक है क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम गिवन था वहां पर कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते थे पहले क्या होगा, मगर फार्मूला एडिटिटी का है, ये फार्मूला आपको सेट करना है, ये फार्मूला कैसे आप याद करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएंगे, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, फार्मूला इतने सारे हैं कैसे भी याद रख लो, कोई टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है, प्रैक्टिस समझिए गौर से प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम स्किप ना करें, प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझिए एंड देन उसकी प्रैक्टिस करें, हर स्टेप को गौर से समझिए, हर स्टेप को प्रैक्टिस करें, तब जो भी फॉर्मूला यूज होगा जो भी स्टेप होगा ऑटोमेटिकली आपके मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। ओके बेटा बात समझ में आ रही है सही है। तो अब फाइनली आप लोगों को फर्स्ट बनता है कि इस यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें शेयर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको आ जाए ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।